मैया की जय। तो देख सकते हैं जय रास्ता देख रहे हैं जो कि शमशान घाट की ओर जाती है। आज आप लोग को माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज माघी पूर्णिमा है और हम लोग चल रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, आप लोगों को तब पता चलेगा। और ये ट्रेन है जो कि सुबह 5:10 से राजगीर से चलती है और ये दानापुर तक जाती है। तो इसी से हम लोग का सफर रहेगा गंगा जी जाने का स्नान। और हमारे हिंदू धर्म में माघी पूर्णिमा को खास माना जाता है। हमें कल भी मतलब श्योर नहीं थे कि मतलब कि आज माघी पूर्णिमा है, लेकिन यहाँ पर जब आए ट्रेन में देखे लोगों की भीड़, तो लोगों से पूछे तो पता चला कंफर्म कि आज माघी पूर्णिमा है। तो आप लोग से ये कहेंगे कि वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए मेरा यही जर्नी यहाँ से रहेगा और हम राजगीर के रेलवे स्टेशन पर भी स्थित है। और इसी से कितने बच्चे सुबह 5:10 पर इसे पढ़ने के लिए जाते हैं बिहार शरीफ कंपटीशन और 11-12 की तैयारी करने के लिए। तो अंत तक बने रहिए, कहाँ तक मेरा सफर रहेगा, कहाँ तक जर्नी रहेगा, सब आपको वो दिखाएंगे। ये देखिए राजगीर का रेलवे स्टेशन है और देखिए इसी ट्रेन से हम सफर कर रहे हैं और आज माघी पूर्णिमा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी दादी जी और हमारी नानी जी डेट कर गए थे तो हम नहीं जा पाए थे। कहा जाता है कि कार्यक्रम पूरा हो जाए तो एक बार गंगा जी स्नान कर लेना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ठंड का समय था तो हमारे घर वाले नहीं जा रहे थे तो हम भी नहीं जा रहे थे। आज का प्लान बना है कि गंगा जी स्नान किया जाए। तो आप देख रहे हैं सर का जो मेरा बाल कटा हुआ है, तो ये मेरी नानी जी और दादी जी डेट कर गए थे तभी ये बाल कटा हुआ था। तो देख सकते हैं बहुत सारे भक्तों का भीड़ रहेगा, आप लोग देखा कि बोगियों में। तो यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं नहाने के लिए माघी पूर्णिमा को। धीरे से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी को, तो धीरे धीरे इस डब्बे में लोग भर जाएंगे, लोगों की भीड़ उमड़ जाएगी ज्यादा करके। तो कहा भी जाता है किसी का गंगा जी स्नान पर मुड़ना गच्छा रहता है तो किसी का कुछ वहाँ पे गच्छा रहता है, तो आज ही के दिन वहाँ जाके ये लोग पूर्ण करते हैं। तो आप लोग से यही कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, लेंदी करेंगे तो आप लोग देखते नहीं है, तो इसलिए कहेंगे कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए कितना भीड़ रहता है लोगों का। और गंगा जी नहाने जा रहे हैं जी सर, तो आज बताइए सर कि माघी पूर्णिमा हम लोग के लिए बहुत खास होता है हिंदू धर्म में। हाँ। तो कुछ आप 2-3-4 लाइन बताना चाहेंगे तो बता दीजिए सर। खास है माघी पूर्णिमा। अच्छा, तो मिलेंगे तरह तरह के लोग, मिलेंगे सबसे मिलवाएंगे, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा आप। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन में लोग को बुजुर्ग भी यहाँ पर है देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं भी कुछ है कि जो कि इसी ट्रेन से सफर कर रही है। तो सभी का जो भी मन्नत हो पूरा हो तो एक बार बोल दीजिएगा, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। तो देख सकते हैं जयकारे भी लोगों ने लगाया। हम 7 बजा है, सुबह का टाइम हुआ है, अभी बख्तियारपुर स्टेशन पे उतरे हुए हैं। इधर देख से एक ट्रेन लगा हुआ है और जिस ट्रेन से हम राजगीर से आए हैं वो इधर एक DMU लगा हुआ है। बख्तियारपुर से उतर कर आपको उधर कोलकाता की ओर जाने वाले ट्रेन वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और बख्तियारपुर से आपको बाढ़ जाना पड़ेगा, बख्तियारपुर आना पड़ेगा और फिर बाढ़ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर गंगा जी का घाट है वहाँ पे जाके स्नान करना पड़ता है। ऐसा इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं, चलते हैं और आप लोगों को हम कहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहिए तब आप लोग देख पाइएगा। जैसा कि एक ट्रेन यहाँ देखिए खुल गई है और पूर्णिमा का शुरुआत का पहला पूर्णिमा है इसलिए खास पूर्णिमा माना जाता है इसको। और इसमें खास हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी लोग स्नान करने जाते हैं, मानते हैं कि इस महीने से अपने जीवन को शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना गंगा स्नान करके अपना जीवन को एक नई शुरुआत करें। और एक बचपन में ट्रेन देखने का एक अलग ही हम लोग का रूप रहता था, जब ट्रेन गंगा जी स्नान करने के लिए, तो इन सज्जनों से बात करेंगे तो इन सज्जन से पहले पूछेंगे कि आप कहाँ गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह गंगा जी है लेकिन सभी गंगा जी एक है, लेकिन सभी को अपने अपने घाट के नाम से पुकारा गया है। तो पहले हम नाम पहले जानते हैं कहाँ जा रहे नहाने के लिए, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम हुआ कब्दा राजवंश सिंह जी। माघ पूर्णिमा ये हिंदुओं का सबसे बड़ा महान ये माना जाता है जी। जैसे ये स्नान करने के लिए काशी भी जाते हैं और है जो कि ये मोकामा भी बाढ़ मोकामा भी जाते हैं लोग, और ये है जो कि स्मरण करते हैं बैठ करके पूजा पाठ
और ये अपना हिंदुओं का सबसे बड़ा ही ये महान ये माघी पूर्णिमा माना जाता है। पूर्णिया का स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान त्रिवेणी को विशेष रूप से लोग नहाता है जहाँ संगम है मेल है। अच्छा अच्छा, देखिए बड़े बुजुर्ग से सीखने के लिए कुछ मिलता है। इन्होंने बताया त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब होता है संगम। जैसे कि एक वाराणसी का गंगा जी हो गए, एक हमारे बिहार का गंगा जी हो गए, तो एक मिलन होता है। जैसे कि फतुहा का गंगा जी का नाम अलग है, बाढ़ का गंगा जी का अलग नाम है, तो एक तरह से मिलन होता है। त्रिवेणी घाट भी है फतुहा में, आप लोग को लेके चलेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आ रहे हैं पूर्णिमा स्नान करने के लिए, तो ट्रेन खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बाढ़ में काफी भक्तों ने उतर गए यहाँ पर स्नान करने के लिए। ट्रेन से सफर करके हम राजगीर से फतुहा स्टेशन पे उतरे हैं और चल रहे हैं अब गंगा जी स्नान करने के लिए। तो चलिए स्टेशन से उतर गए हैं और चलते हैं आप लोग को फतुहा में जो घाट है वहाँ पे स्नान करते हैं, वहाँ पे आप लोग को दर्शन कराएंगे। देखिए बहुत भक्तों का भीड़ है आज और घाट पे, तो काफी भीड़ होगा सुबह से लोग स्नान करने के लिए वहाँ। और जो भी लोकल एरिया का जो स्नान कर लिए होंगे वहाँ पर, लोगों का भीड़ काफी है, दूर तक पीछे से लोग भी आ रहे हैं। स्टेशन से रास्ते से चलकर हम अब घाट की ओर जा रहे हैं और आप लोगों को बताएं कौन सा घाट पे भी जा रहे हैं, वो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिएगा कौन सा घाट पे स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ता देख रहे हैं जो कि शमशान घाट की ओर जाती है और ये रेलवे स्टेशन से हम आए हैं, इसी रेलवे फतुहा रेलवे स्टेशन से आए हैं और हम लोग अब इधर इधर की ओर जा रहे हैं। वह घाट पर हैं तो लोग बहुत लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो नाच गा कर माँ को खुश करना चाहते हैं, माँ गंगा को खुश करना चाहते हैं। घाट काफी विशाल है, यहाँ पर पीपल का पेड़ भी देख सकते हैं, जैसा कि शमशान घाट है वहाँ पर। डीआरएफ के जवान भी तैनात है, तो अच्छा कुछ हो रहा है यहाँ पर। और इस बोटिंग का तो अजब नज़ारा है, इस बोटिंग का नज़ारा आप लोगों को देखना है तो हम बनारस पे इस बोटिंग पे सफर किए थे, काफी अनुभव रहता है, काफी आनंदमय रहता है। देखिए हम त्रिवेणी घाट पे आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में मंदिर भी है। हमारे बाबा इस दुनिया का छोड़ के चले गए थे, तब उनका अंतिम संस्कार जब हुआ था उसके बाद यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आज हम स्नान करने के लिए आए हैं और हाल फिलहाल में मेरी नानी और दादी डेट कर गई थी, तो वहाँ पे काफी दूर यहाँ से दिख रहा होगा शमशान घाट। और कहा भी जाता है कि जो इंसान का अंतिम समय होता है यहीं पर आना होता है। पर है बहुत विशाल, मतलब कह सकते हैं गंगा जी है, और ऐसा माना भी जाता है, हम भी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि इंसान क्या सोचता है कि मतलब कि जब यहाँ पे गंगा जी के पास आता है तब सोचता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है। लेकिन जब यहाँ से स्नान करके अपने घर की ओर लौट जाता है तो फिर वही अपना पैसों के लिए घमंड, अपने एक एटीट्यूड आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है। तो देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसी गंगा जी में स्नान करेंगे। और दादी जी का देहांत हो गया था, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि वगैरह होता है तो एक बार गंगा जी स्नान करने का होता है। तो पिछले कुछ दिनों से ठंड काफी ज्यादा पड़ रही थी तो हम नहीं आ पाए थे, लेकिन एकदम साफ साफ झलक रही है। तो आज हम लोग को टाइम मिला है तो आज हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं। जो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर किन्नी का मन्नत मांग परंपरा है, किसी का किन्नी के घर में मुड़ना रहता है, तो बहुत सारा ऐसा रहता है मन्नत इन गंगा जी माँ से मांगते हैं। और जब गंगा मन्नत पूरा हो जाता है तो यहाँ पर आकर आते हैं, वो पूरा करते हैं भक्त लोग। इन्होंने माँ गंगा जी में एक पटरू होता है, उन्होंने ये दान किए। तो इन सज्जन से हम जानते हैं और कहाँ से आए, पहले आप कहाँ से आए सर? मेरा नाम सोनू कुमार, मैं पचलोवा से आया हूँ जी। तो आप ये बताइए सर कि अभी हमने देखा कि एक आपने पाठी को दान किया, पाठी है ना सर जी, तो आप किस उपरांत से गंगा माँ को दान किए? हमारा इच्छा पूरा हुआ कि चार लड़के एक लड़का हो, मतलब होगा तो और फिर से भी कर सकता हूँ, लेकिन चार लड़के, इसी कारण हमें पाठी को दान किया। अच्छा गंगा माँ, अच्छा तो एक बार बोल दीजिए प्रेम से, बोलिए गंगा मैया की जय। देख सकते हैं यही सज्जन थे जो
कि मतलब कि अपने इच्छा को पूर्ण हुआ तो इन गंगा माँ को अपनी एक पाठी को दान किए, तो सबका अपने मन में इच्छा होता है। तो आप लोग भी एक बार जरूर आइए इस फतुहा में ये त्रिवेणी घाट और माँ से इच्छा मांगिए, आप लोग को पूर्ण होता है, तो एक बार जरूर आइए। तो आप लोग भी आते हैं तो इस तरह से पूजा वूजा कीजिए आराम से, और काम होता है जी, पूर्ण होता है जी। सर आप कहाँ से आए सर, आपका नाम क्या? हम बिहार से जी, चंद्रपुर जी। गंगा जी स्नान करने के लिए, लेकिन काफी ठंडा पानी है, यहाँ के अगल बगल के निवासी कैसे नहा पाते हैं, मुश्किल हो जाता है ठंड के टाइम में। गर्मियों में नहाने में काफी आनंद आता होगा इसमें, तो एक बार बोल दीजिएगा, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। तुम्हें गंगा माँ हो ना मानो तो बहता पानी, गंगा मैया की जय। स्नान कर लिए हैं और काफी अच्छा लगा, एक अलग ही अनुभव होता है स्नान करने के बाद, लेकिन काफी ठंडा पानी है यहाँ पर। तो आप लोग यही कहेंगे कि एक बार आइए यहाँ पर गंगा माँ को स्नान कीजिए, और भी आपके अलग अलग क्षेत्र रहते हैं गंगा माँ, तो वहाँ पर समय निकाल के जरूर स्नान करने के लिए चलिए। मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे मैंने देखा है कि बोले कि हम वो चीज गच्छे थे और मेरा पूरा हुआ, मतलब उनके घर में चार बेटी थी और उन्होंने पूछा था कि मेरा एक बेटा होगा तो आपको एक पार्टी अनुदान करेंगे। उन्होंने क्या किया, जितना मतलब एक पार्टी लाए और सीधा विसर्जन कर दिया। तो यहाँ पर ये लोग जो मतलब ये आप उनको भी दिखाइए, नाव वाले उसको मतलब ये लोग ऐसे लगा लेते जो दान करते उनको ले लेते हैं, ये लोग दान किए वो लोग मतलब झपट के अपने नाव पे रख लिए। तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, आप लोग क्या सोचते नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग से यही कहेंगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।